फ्रेंड्स, मैं हूँ इंजीनियर राजा वर्मा और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम फाइन एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, हम फाइन एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी के लिए 3 लीटर वाला सिलेंडर यूज़ करते हैं। 3 लीटर वाले सिलेंडर की जो हाइट होती है, हाइट और डाया मैं आपको बताता हूँ IS कोड में। फाइन एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी के लिए हम IS 2386 Part 3 यूज़ करते हैं। इसमें ये देखिए, 3 लीटर वाला जो हमारा सिलेंडर है उसका इनसाइड डायामीटर है 15 सेंटीमीटर और इनसाइड हाइट जो है वो 17 सेंटीमीटर है। इसमें हम जो टेम्पिंग रोड का डायामीटर 16 mm है, यह हमारा फॉर्मेट है बल्क डेंसिटी का। अब सबसे पहले हम वेट ऑफ कंटेनर ग्राम में नोट करेंगे। हमारे कंटेनर का जो वेट है वो आया है 2820 ग्राम, हम नोट करेंगे। अब हम सेंड को कंटेनर में 3 लेयर में भरेंगे। हर लेयर में 25 बार टेम्प करेंगे टेम्पिंग रोड से। इसी तरह हम 3 लेयर में इसको भरेंगे। अब हमने इसको अच्छे से फिल कर लिया है 3 लेयर में A-B करके। A हमारा 80-40, माइनस 28-20। ये हमारा 52-20 ग्राम, हम इसे नोट करेंगे। हमारा वॉल्यूम ऑफ BT कंटेनर है 3 लीटर। अब हमारा बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट अप डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमारा जो वेट है वो है 52-20 ग्राम। इसमें हम डिवाइड करेंगे 3 से। यह हमारा ग्राम पर लीटर में आया है। इसको KG पर लीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे। यह हमारा आएगा 1.74 KG पर लीटर। तो 1.74 यह हमारा बल्क डेंसिटी आई है फाइन एग्रीगेट की, 1.74 KG पर लीटर।